चलिए स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ रहे थे कि कैसे एक फ्री फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट है वो जो नीचे की तरफ गिरता है तो किस तरह से वो हाइट और टाइम के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो भी टाइम इंटरवल होता है टी और जो हाइट होती है जितना वो फॉल हो चुका है जितना वो नीचे की तरफ गिर चुका है उन दोनों के बीच का रिलेशन होता है टी इज इक्वल टू अंडर द रूट टू एन अपॉन जी। ठीक है, ये तो हम देख चुके थे कि कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो कितने टाइम में कितना गिर रहा है नीचे की तरफ, तो फॉर्मूला क्या होगा कि टी टाइम में कितना गिर रहा है एच, तो टी और एच के बीच में हमारा ये रिलेशन होता है टी इज इक्वल टू टू एच अपॉन जी। अब इस बेस पे आप इस बेस पर इस फॉर्मूला पे बेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, उसको कहते हैं बर्नौली रूल ऑफ ऑड नंबर, बर्नौली का विषम संख्या का नियम। ठीक है, चलिए अब इसे समझते हैं क्या है ये, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसको समझने के लिए। पहले हम इसके समझेंगे कि कैसे ये काम करता है, फिर हम उसके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर t इज इक्वल टू टू एच अपॉन जी है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो टाइम का जो स्क्वायर है वो टू एच अपॉन जी के इक्वल हो। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि एच जो है वो टी स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। क्यों? टू एक नंबर है जो कि कॉन्स्टेंट है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 या फिर 10, तो ये तो दोनों कॉन्स्टेंट हो गए। तो देखो स्टूडेंट, इससे हम ये कह सकते हैं कि टी स्क्वायर जो है वो एच के प्रोपोर्शनल है और इनडायरेक्ट वे में हम ये भी कह सकते हैं कि एच जो है वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टी में इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे एच इंक्रीमेंट होगा, एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा और किस रिलेशन से आएगा, एच इज प्रोपोर्शनल टू टी। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं इस तरह के देखिए कैसे हम इस रूल को अप्लाई करते हैं और फॉर्म लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि t इक्वल टू जीरो पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर, t इक्वल टू जीरो मतलब जब टाइम स्टार्ट हुआ है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो हाइट होगी ये भी क्या होगी, जीरो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एच जो है टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो जो जीरो का जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, इस तरह से अगर हम ये देखें तो देखो t इक्वल टू वन सेकेंड पर ये कहाँ आया, तो देखो वन सेकेंड पर ये कहाँ आया, तो हम ये कह सकते हैं एच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वन स्क्वायर इन टू के, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनल उसके साथ हम चल रहे हैं, यानी एच की वैल्यू इसके बराबर आ गई के बराबर, यानी यहाँ से स्टार्ट हुए यहाँ तक आए तो वन सेकेंड हम कहाँ तक पहुँच गए के। अब हम देखते हैं टी इक्वल टू टू सेकेंड हम कहाँ पर पहुँच गए, तो टी इक्वल टू टू सेकेंड हम यहाँ पर देखें जीरो से स्टार्ट हो गए वन तक हम यहाँ पर, फिर जीरो से स्टार्ट होकर टू तक हम कितना नीचे आए इसको देख रहे हैं, एच की वैल्यू क्या होगी टू स्क्वायर इनटू के दैट इज 4k। तो देखते हैं, अब देखते हैं t इक्वल टू 3 सेकंड पर कहां पर है, तो देखिए फ्रेंड्स t इक्वल टू 3 सेकंड पर जो हमारी हाइट है वो है 3 स्क्वायर इनटू के दैट इज 9। ठीक, और जैसे हमारा t इक्वल टू 4 सेकंड्स हम ले लें तो 4 सेकंड्स पर हमारी हाइट कितनी होगी, वो हो जाएगी 4 स्क्वायर इनटू के दैट इज 16। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जीरो से स्टार्ट हुए वन सेकंड में यहाँ पहुँचे, टू सेकंड में यहाँ पहुँचे, थ्री सेकंड में हम यहाँ पर पहुँच गए, फोर सेकंड में हम यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, अब पूछते हैं कि यहाँ पर हमारे ऑड नंबर्स कहाँ पर है, तो यहाँ भी हमारे कोई भी ऑड नंबर्स नहीं है। अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि जो वन वन सेकेंड के जो कंसेक्यूटिव इंटरवेल्स है उनमें ये ऑब्जेक्ट कितना चला, मतलब कि जो हमारे वन वन सेकेंड के जो इंटरवेल्स बन रहे हैं इनमें हमारा ऑब्जेक्ट कितना कितना चल रहा है, हम इसे देखने की ट्राई करते हैं। तो देखो सबसे जो फर्स्ट इंटरवेल है वन सेकेंड का वो कौन सा है, जीरो से वन, यानी कि जीरो सेकेंड से लेकर वन सेकेंड तक हमारा ऑब्जेक्ट कितना चला, तो सीधी सी बात है जीरो से वन सेकेंड तक हमारा ऑब्जेक्ट कितना ही चला है, तो ओरिजिनल में चला कितना चला ये, तो देखो जीरो से वन सेकेंड हम कितना चले ये। अब समझना सेकेंड पार्ट, देखो वन से लेके टू सेकेंड में कितना चला, यानी कि वन सेकेंड से स्टार्ट करके टू सेकेंड तक की बात करें, वन सेकेंड से लेकर टू सेकेंड में कितना चले, तो देखना हम टोटल टू सेकेंड में कितना चले हैं यहाँ से यहाँ तक, वो कितना है 4k, लेकिन जीरो से वन सेकेंड में हम k ऑलरेडी चल चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक हम 4k चले हैं, यहाँ से यहाँ तक हम कितना चल चुके हैं k चल चुके हैं, तो हम कितना चले, हम चले 4k माइनस k, तो ये कितना होगा 3। इसका मतलब क्या है कि जीरो से वन सेकेंड में तो हम चले के, वन से टू सेकेंड में हम चले थ्री के। अब देखिए, अब मैं आपको बोलूँ कि टू से थ्री सेकेंड में कितना चले, तो गौर करो
हमें सेंट्रल वैल्यू का ही पता है, मतलब जीरो से लेके थ्री सेकंड में कितना चले थे 9 के, और देखो जीरो से लेके हम 2 में कितना चल चुके थे 4 के, तो हम इतना ही तो चले हैं 2 से लेके 3 तक, तो हम कितना चले हैं, देखो 3 सेकंड में कितना चले हैं 9 के, माइनस 0 से लेके 2 में हम कितना चल चुके हैं ऑलरेडी 4, यानी इसका मतलब है आधे सेंट्रल वैल्यू में कितना चले हैं 5। ठीक, अब नेक्स्ट एक और इंटरवल देखते हैं, फिर हम रिलेशन को सेट करते हैं। अब हम देखते हैं 3 से लेके 4 सेकंड में कितना चले, तो देखो 3 से लेके 4 का मतलब क्या है, देखो 4 में कितना चले, 4 में हम चले 16, लेकिन 0 से लेके 3 तक हम 9 में ऑलरेडी चल चुके हैं, तो हम इतना ही तो चले हैं, हां तो है 3 से लेके 4 सेकंड, तो देखो टोटल आप चले हैं 16, ये कितने टाइम में 4 सेकंड में, 3 सेकंड में कितना चल चुके हैं 9, यानी कि आप 3 से लेके 4 वाले इंटरवल में कितना चले हैं। अब देखो तो अगर बहुत पहले तो हमें समझ में आ रहा है कि देखो 0 1 1 2 2 3 3 4, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 से 5 में क्या होगा, तो अब हम कुछ माइंड सबसे पहले जल्दी नहीं, देखो ये हुआ के, ये हुआ 3 के, ये हुआ 5 के, ये हुआ 7 के, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट होगा 9, क्योंकि देखो जो है ऑड नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे, बैठे सब संख्याएं आ रही है, इस तरह से 5 से 6 वाले इंटरवल में कितना चलेंगे, हम चलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हमारा बर्नौली रूल ऑफ ऑड नंबर क्या है, ये क्या कहता है कि हम जो हैं जो हमारे कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल्स होते हैं 1 सेकंड, किसी भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए, मुक्त रूप से गिर रही वस्तु के लिए 1 सेकंड के कंसेक्यूटिव इंटरवल्स में हम कितना चलते हैं, तो वो जो कंसेक्यूटिव इंटरवल्स के अंदर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हमारा विस्थापन होता है, वो हमेशा के रेशियो 3 के रेशियो 5 के रेशियो 7 के इस तरह से, और हम क्या कह सकते हैं कि जो कंसेक्यूटिव इंटरवल्स है उन कंसेक्यूटिव इंटरवल्स के अंदर हम जितना चलेंगे वो होगा 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9 एंड सो। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बर्नौली रूल ऑफ ऑड नंबर, यानी कि बर्नौली का विषम संख्या का नियम, क्यों, क्योंकि देखिए कंसेक्यूटिव इंटरवल्स के अंदर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है ऑड नंबर्स की फॉर्म में, और क्योंकि ये ऑड नंबर्स की फॉर्म है इसलिए इसका नाम क्या हुआ रूल ऑफ ऑड नंबर विषम संख्या का नियम। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, अब हम क्या करते हैं इस थ्योरी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट। तो देखिए जो भी हमने थ्योरी पढ़ी बर्नौली रूल ऑफ ऑड नंबर, यानी कि बर्नौली का विषम संख्या का नियम है, आपको बता दिया कि हाइट ऑफ टैप इज 16 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी इसका मतलब है कि टैप जो है ग्राउंड से 16 मीटर की हाइट पर है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड, तो मतलब कि सेकंड ड्रॉप जो है ग्राउंड से कितना ऊपर है। हिंदी में भी देख लेते हैं, एक नल से निश्चित अंतराल में पानी की बूंदें गिर रही है, जब फर्स्ट बूंद जमीन को छूने वाली है तो 5 फीट नल से निकल रही है, यानी फर्स्ट ड्रॉप गिरना जो जमीन को छूने वाली है तो 5 फीट जो है वो क्या होगी नल से निकल रहा है। कह रहा है कि यदि नल सतह से 16 मीटर ऊपर हो तो सेकंड सतह से दूरी क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको विजुलाइज करके कैसे बर्नौली का जो लॉ है वो इसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। देखिए हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना फिजिक्स का मतलब एक विजुलाइज समझाई का होना चाहिए, उसको सॉल्व नहीं हो सकता चाहे किसी भी टॉपिक से। ठीक है, तो ये हमने मान लिया है। ठीक है, और ये रही हमारी नाम। ठीक है, हम बोल रखा है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 16 मीटर की हाइट पर। ठीक है, अब इससे क्या हो रही है वाटर ड्रॉप फॉल हो रही है, तो देखो फिफ्थ ड्रॉप यहाँ से जस्ट निकलने ही वाला है, ये कौन सा ड्रॉप है फिफ्थ, और फर्स्ट ड्रॉप जो है वो यहाँ पर टच, ये बोल रखा है। अब हम देखते हैं देखो फिफ्थ यहाँ पर है तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्थ ड्रॉप भी होगी, कोई ना कोई थर्ड ड्रॉप भी होगी, और कोई ना कोई सेकंड ड्रॉप भी होगी, तो इस तरह से हमारा क्या रहेगा ये समझ में रहेगा।
देखो फिफ्थ यहाँ पर है, फर्स्ट यहाँ पर, लेकिन सेकेंड थर्ड फोर्थ पर इस पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे लगता है, तो गौर करना यहाँ क्या है। ड्रॉप भले ही सारे अलग अलग है, लेकिन इनके फॉल होने का जो मेथड है वो सबका सेम ही है। इसका मतलब जब फ्री फॉल करवाते हैं, जो है आप किसी बॉल पे भी पत्थर को गिराइए या फिर किसी लाइट बॉल को गिराइए, दोनों की जो फॉल होने का जो पैटर्न है वो सेम होता है, क्योंकि है वो अंडर द रूट टू मैच ऑफ जी। देखो हमारा जो बर्नौली का लॉ है वो क्या कहेगा, समझ वो ये कहेगा कि देखो ये वाला जो टाइम इंटरवल है, क्योंकि देखो ये वाली जो बॉल नहीं है क्योंकि केवल एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में गिरी है, ये उसे डबल टाइम इंटरवल में गिरी है, ये उसे ट्रिपल में गिरी है, ये उसे फोर टाइम्स में गिरी है, ये वाली डिस्टेंस अगर हमारी के हो, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी 3k, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी 5k, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी हमारी क्या होगी 7। ये हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमने यही तो पढ़ा था कि ये जो होती है सारे के सारे इक्वल इंटरवल्स के अंदर जो है ये जो नंबर बनते हैं सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, यानी ये 8, ये 3k, ये 5 और ये 7। तो गौर करो, अगर मैं बोलूँ कि फिफ्थ और फर्स्ट ड्रॉप के बीच की नेट डिस्टेंस कितनी है, तो देखो अगर हम बर्नौली के फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो के प्लस 3k प्लस 5k प्लस 7k, ये है। लेकिन देखिए एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, 16 मीटर। तो देखो आप ऐड करिए तो ये हुआ 4, 5 और 7, उसको ऐड करने का हमारा कितना आ गया 16। तो 16 के इक्वल टू 16 यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 1। के की वैल्यू क्या आ गई, अगर k की वैल्यू 1 आ गई तो हम सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो फिर पूछ सकता है। तो देखो उसके जैसे ये पूछा था कि सेकंड ड्रॉप की जो है वो सरफेस अराउंड वहाँ से क्या डिस्टेंस होगी, तो आप गौर करो सेकंड ड्रॉप की अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो देखो सेकंड ड्रॉप यहाँ देखो ये तो ग्राउंड पर पहुँच गई, सेकंड ड्रॉप से कितना ऊपर है 7k, यानी कितना हो जाएगा 7k, यानी कि 7 × 1 यानी 7। तो अगर उसमें पूछ लिया सेकेंड ड्रॉप कितना कितना आ गया हमारा आंसर 7। अब हम उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि और भी क्या पूछ सकते हैं। देखो आपसे ये भी तो पूछ सकता है, बताइए थर्ड ड्रॉप कितना ऊपर, देखते हैं कैसे उसको गौर करते हैं। फर्स्ट से लेके सेकंड तक कितना डिस्टेंस है 7k, सेकंड से लेके थर्ड तक कितना डिस्टेंस है 5k, तो यहाँ से यहाँ तक नेट डिस्टेंस कितना ऊपर, देखो थर्ड कितना ऊपर हुआ, थर्ड हुआ हमारा 12k, दैट इज 12 × 1 एंड थर्ड हमारा कितना होगा 12 मीटर की डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर हमें वो ये पूछ ले कि बता ये फोर्थ जो है कितना ऊपर होगा, तो फोर्थ कितना होगा 7a 5a और 3a, नेट कितना हुआ देखो 7 और 5 12 और 3 15, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया 15, तो देखो हमारा कितना आ गया 15 × 1 दैट इज 15 समय। तो इस तरह से हम सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब देखो फिफ्थ पूछना, तो देखो फिफ्थ तो नेट 16k हो जाता है, तो k की वैल्यू 1 यानी कि 16 हमारा वेरीफाई भी हो रहा है कि देखो ऐसे भी देखते हैं तो भी हमारा 16 आ रहा है, और अगर हम k की वैल्यू ऐड करके देते हैं तो भी हमारा ये आंसर, ठीक है। अब देखो आप कुछ और भी पूछ सकते हैं, आपको ये पूछ सकता है कि बताइए सेकेंड और फोर्थ के बीच की डिस्टेंस, देखो सेकेंड और थर्ड के बीच की क्लियरली कितनी है हमारी 5k है। देखो हम ये पूछ सकते हैं कि सेकेंड और फोर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो देखो सेकेंड और फोर्थ के बीच की डिस्टेंस एक तो ये 3k और ये 5k, तो नेट ऐड होके हमारा कितना है ये 8, दैट इज 8 × 1 हमारा